स्वास्थ्य विभाग की सलाह, लोग बरतें सावधानी। सोनीपत में इन दिनों डेंगू का कहर जारी है। हालांकि सिविल अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है, जहां सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन चार मरीजों का अभी भी इलाज जारी है। जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर डॉक्टरों और मरीजों से बात की है, वो इलाज में संतुष्ट नजर आए हैं। सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में इस समय हम मौजूद हैं और आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि डेंगू वार्ड है और यहाँ पर प्रशासन द्वारा यानी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ सुविधाएं भी यहाँ पर दे रखी, जैसे मच्छरदानी यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि सुविधा जो है फिलहाल यहाँ पर दे रखी है। एक डेंगू का मरीज है यहाँ पे, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। डेंगू का इलाज हो रहा, सुविधा बढ़िया है? बहुत अच्छी सुविधा है जी, डॉक्टर अच्छी तरह देखते हैं, चेक करते हैं, पूछते हैं बार बार आके। अच्छा, कितने दिन से हो? मैं तीसरा दिन है जी। अच्छा, अब आराम है? बहुत आराम है जी। हाँ जी, इलाज यहाँ का अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। एक डॉक्टर है यहाँ पे, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मैं जी डॉक्टर राकेश फोगाट, एमडी। अच्छा अच्छा, फोगाट साहब, जिस तरह से वार्ड बनाया है, कितनी अच्छी सुविधा है, क्या क्या उपलब्ध? देखिए जी, सारे के सारी सुविधा जो है, जो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल है, वो सारी की सारी मिली हुई है। जैसे ही कोई डेंगू का वार्ड या मे बी सस्पेक्टेड केस ऑफ फीवर, एनी सस्पेक्टेड केस ऑफ फीवर, इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है, डेंगू की रिपोर्ट बाद में आती है, सबसे पहले हम फीवर के पेशेंट को यहाँ पे रखते हैं। आप कितने रोगी इलाज करवा रहे हैं फिलहाल यहाँ पे डेंगू के? देखिए जी, हमारे इस वक्त पास तीन या चार केसेस कंफर्म्ड हैं, और बाकी के जितने आप देख रहे हैं, इनका ये नहीं है कि किसी मरीज का NS1 नेगेटिव आ गया तो उसको डेंगू नहीं है। डेंगू के और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, पेटी के शरीर पर लाल कलर के धब्बे होना, कहीं से खून आना और प्लेटलेट कम होना, जो हम सभी के सभी जानते हैं। तो ये नहीं है कि एक बार के टेस्ट में नेगेटिव आया तो उसका कभी आएगा नहीं, कोई दो तीन दिन बाद हम फिर से रिपीट करते हैं उस टेस्ट को, और अगर पॉजिटिव आता है, हम किसी सस्पेक्टेड फीवर को ऐसे नहीं छोड़ते। सबसे पहले जो भी आते हैं उनको यहाँ पे रखते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, सारी की सारी इसकी पूरी फुल बॉडी चेकअप होता है। व्यवस्था को अच्छे से दुरुस्त कर रखा है, और अब तक के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो सोनीपत में 1000 से भी अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें करीब 150 डेंगू के रोगियों की पुष्टि हुई है। लेकिन फिलहाल सोनीपत में 3 से 4 डेंगू मरीजों का ही कन्फर्म है, जो उनका इलाज हो रहा है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।